दोस्तों आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट श्रृंखला में अब तक दो मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारतीय टीम ने दोनों ही मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करके श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना लिया। जहां भारतीय टीम के प्रदर्शन की तारीफ पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है, वहीं इंग्लैंड की आलोचना भी इसी के साथ में हो रही है। लेकिन फिर भी इंग्लैंड के कई दिग्गज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और उन्होंने भारतीय टीम को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला जिसको सुनने के बाद तो आप तिल मिला उठेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको क्या कहा इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों ने। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में से कौन बेहतरीन टीम है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, मौजूदा समय में भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही श्रृंखला में अब तक दो मुकाबले खेले जा चुके हैं। जब पहला मुकाबला बारिश के कारण स्थगित करना पड़ गया था, वहीं दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन के बल पर इंग्लैंड की टीम को चारों खाने चित कर दिया था और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। अब इंग्लैंड टीम तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को एक करारी टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगी। अब देखना ये होगा कि क्या भारतीय टीम एक बार फिर इंग्लैंड की टीम को अपना धाकड़ प्रदर्शन से नेस्तानाबूद कर सकती है या नहीं। दोस्तों बता दें इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को लेकर एक बार फिर से जहर उगला है। दोस्तों बता दें इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी माइकल वोगन ने हमेशा भारतीय टीम की टांग खिंचाई करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने एक बार फिर से ऐसा बयान दे डाला जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी बवाल हो गया है। दोस्तों बता दें माइकल वोगन ने अपने बयान में कहा कि भारतीय टीम दूसरे मुकाबले में अपने खेल से नहीं बल्कि अपने आक्रामक अंदाज से जीती है। अगर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों से उलझने की कोशिश ना की होती तो इस मुकाबले में भारतीय टीम को हार का स्वाद चखना पड़ता। लेकिन भारत के खिलाड़ी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते, वो हमेशा विपक्षी टीम के खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आते हैं। इसलिए अब इंग्लैंड के खिलाड़ी इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम को मुंह तोड़ जवाब देकर उन पर फतह हासिल करेंगे। दोस्तों वहीं अपने हरफन मोला अंदाज के लिए जाने जाने वाले खिलाड़ी केविन पीटरसन ने भारतीय टीम को एक अपने मजाकिया अंदाज में जमकर लताड़ लगाई और उन्हें तीसरे मुकाबले के लिए चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ी बेशक की जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हो, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी जितना जोर भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी लगाते हैं वो तब भी इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की बराबरी नहीं कर सकते। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बेशक शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया हो, लेकिन जो रूट का आउट करने में उनकी कमर टूट गई होगी। उन्हें पूरा विश्वास है कि जो रूट एक बार फिर ऐसी पारी खेलेंगे जिसके बाद भारतीय टीम के 11 के 11 खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर खड़े रह जाएंगे और इंग्लैंड के खिलाड़ियों की आतिशबाजी का नजारा ही देखेंगे और उन्हें इस मुकाबले में हार का स्वाद चखना पड़ेगा। दोस्तों वही अगर बात की जाए तो इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी एंड्रयू फ्लिंटॉफ, जिनका हमेशा से ही भारतीय टीम से 36 का आंकड़ा रहा है, उन्होंने भारतीय टीम की बेइज्जती करते हुए कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों में खेल के दम पर मुकाबला जीतने की हिम्मत ही नहीं है। वो हमेशा इंग्लैंड के खिलाड़ियों से बदतमीजी करने पर उतारू हो जाते हैं और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को उनके मकसद से भटका देते हैं, जिसकी वजह से वो लोमड़ी की तरह इंग्लैंड के शेरों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन इस बार इंग्लैंड के भूखे शेर भारतीय टीम के खिलाड़ियों का मैदान पर ऐसा शिकार करेंगे जिसकी कल्पना तो उन्होंने सपनों में भी नहीं की होगी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या इंग्लैंड के खिलाड़ी भारतीय टीम का सामना कर सकते हैं या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।